क्या आपकी भी टेंशन शुरू हो गई है? मेरी तो शुरू हो गई है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स काफी नजदीक हैं और बच्चों के एग्जाम्स यानी हम पेरेंट्स के एग्जाम। क्योंकि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो उन्हें कम से कम कहीं ना कहीं अपने एग्जाम्स को लेकर टेंशन होता है, वो कहीं ना कहीं एक टाइम फिक्स करते हैं और अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी जूनियर सीनियर के बच्चे हैं, उन्हें कैसे हम एग्जाम्स के लिए तैयार करें, यह हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क बनते जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ स्मार्ट तरीका अपनाना होगा, स्मार्ट पेरेंटिंग करनी होगी और अपने बच्चों को एग्जाम्स के लिए तैयार करना होगा। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वर्कशीट शेयर करूंगी जिससे कि हम अपने बच्चों के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम वर्कशीट की हेल्प से अपने बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं या कुछ सिखाते हैं तो कम से कम उनका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होता है और वो कहीं ना कहीं ये आइडिया उनके अंदर आ जाता है कि उन्हें एग्जाम्स में किस क्वेश्चन पे क्या आंसर लिखना है। तो जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएं तो हमेशा वर्कशीट की हेल्प से ही पढ़ाएं। आज मैं अपनी बड़ी बेटी के सीनियर केजी की मैथ्स की वर्कशीट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी, इसीलिए वीडियो को जरूर पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह रही हमारी वर्कशीट। इस वर्कशीट को मैंने कलरफुल स्केच पेन से बनाया है और जब हम अपने बच्चों को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें हमेशा ये कोशिश करने की जरूरत होती है कि हम बच्चों को पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट ला सके, क्योंकि जब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक वो तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो कुछ अट्रैक्टिव वे में हमें वर्कशीट रेडी करना है और अपने बच्चों को देना है। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स। सेकेंड क्वेश्चन है राइट ऑल मिसिंग नंबर्स। इसमें से कुछ नंबर्स मैंने मिसिंग कर दिए हैं जिसे उसे करेक्टली फाइंड करके फिल करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट बिफोर नंबर, इसमें बिफोर नंबर सॉल्व करना है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज राइट आफ्टर नंबर, इसमें सारे बिफोर नंबर मैंने दिए हैं और उसका आफ्टर नंबर उसे लिखना है। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट बिटवीन नंबर्स, अब इसमें बिटवीन नंबर्स करना है। जब हम तीनों ऑप्शन अपने बच्चों को सॉल्व करने के लिए देंगे तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि उन्हें कौन से चीज में क्या प्रॉब्लम है। कहीं उन्हें बिफोर नंबर में तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बिटवीन नंबर में भी तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमें तीनों ऑप्शन की वर्कशीट बनाकर बच्चों को जरूर देनी चाहिए। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज सर्कल द स्मॉलर नंबर, इसमें बच्चों को स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करके उसे सर्कल करना है। एंड द सेवेंथ क्वेश्चन इज सर्कल द लार्जेस्ट नंबर, सेम स्मॉलर नंबर की तरह इसमें उन्हें लार्जर नंबर को सर्कल करना है। देन आफ्टर एट्थ क्वेश्चन इज ग्रेटर देन लेसर देन एंड इज इक्वल टू, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे वर्कशीट में होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑर्डिनल नंबर नेम, इसमें बच्चों को ऑर्डिनल नंबर की स्पेलिंग्स लिखनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरह से। देन आफ्टर राइट नंबर नेम, यहाँ पे मेरे नंबर्स दिए हैं, अब उसकी स्पेलिंग बच्चों को यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा है तो उसे लिखना होगा FIVE 5, 10 लिखा है तो TEN 10, इस तरीके से नंबर नेम उसे लिखना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस, यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, अब उसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे आएगा। जैसे कि 3 10s 2 1s, देन आफ्टर 45 4 10s 5 1s, 57 5 10s 7 1s इस तरह से। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन उसी का थोड़ा सा अपोजिट है, अब बच्चे को यहाँ पर नंबरिंग करके लिखना है। यहाँ पर मैंने डिटेल में दिया है और उसे पर्टिकुलर नंबर यहाँ पर फाइंड करके कि कौन से नंबर यहाँ पर आएंगे वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 7 10s 5 1s, तो यहाँ पर उसे लिखना होगा 75, 1 10s 9 1s, 1 9 19 इस तरह से। देन आफ्टर एड, एडिंग दिया है, इसमें बच्चों को एड करना है, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट। तो इस तरीके से जब हम अलग अलग ऑप्शंस अपने बच्चों को सॉल्व करने के लिए देते हैं तो उन्हें कम से कम यह आइडिया क्लियर हो जाता है कि उन्हें कौन से क्वेश्चन में किस तरीके का आंसर लिखना है। और हमें हमेशा अपने बच्चों को यह चीज क्लियर करनी चाहिए कि जब भी वो कोई चीज सॉल्व करे तो उन्हें हेडिंग जरूर पढ़ने के लिए सिखाएं, क्योंकि जब हम हेडिंग उन्हें पढ़ने के लिए सिखाते हैं तो उन्हें यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि उन्हें उस चीज में करना क्या है।
तो जब हम इस तरीके की वर्कशीट बनाकर देंगे तो हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्स के लिए अपने बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यह तरीका आप जरूर अपनाइएगा। बस रिसेंटली मैंने इंग्लिश की भी वर्कशीट बनाई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और भी बाकी के यूजफुल वीडियोज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।